हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आपको चाहिए एक मटेरियल बता देता हूँ मैं। पहले आपको चाहिए एक वाटर स्प्रे का, मैं बना चुका था। मैं सोचा आपके लिए बता दूँ मैं कैसे बनाते हैं। तो फिर आपको चाहिए एक मग्गा जो मैंने बनाया, और मटेरियल चाहिए। पानी गिर गया, छोड़ो। तो फिर हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी बनाना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ चाहिए होगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले आपको एक स्प्रे की बॉटल लेनी है, और गम और जो ग्लो दिख रहा है वो सॉफ्ट लाइट की वजह से। अगर वो आपको बनाना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम लोग इसको खोलेंगे। तो गैस हम लोग इसके अंदर पानी डाल देंगे, अच्छे से पूरा डाल देंगे। बे यार, आधा तो गिर रहा है। अबे ओहो, ज़्यादा डाल दिया मैंने, टेंशन मत लो, थोड़ा सा ही है। बे और गिर गया। हाँ चलो, तेज़ी से डाल। तो वैसे आपको एक फड़का ले लेना ये काम करते वक्त, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फड़के का इसमें। तो मैं पोछ देता हूँ, गिल्ला हो गया। तो मैं पोछ दिया, और आपको ऐसा बॉटल भर लेना यहाँ तक भरने का, ठीक है। आपको पूरा ऊपर तक हो जाएगा, इसके लिए आपको आधा भरने का। और मैंने बना चुका था, इसके लिए मेरा उस स्प्रे का स्ट्रॉ गंदा है, मतलब उसको साफ़ करने के लिए भी आपको चाहिए रहेगा। तो पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ, साफ़ करते हुए दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको पहले ये ले लेना है मग्गा, एक मिनट। तो वो मग्गा ले लेना है, बाद में उसके अंदर आपको डालने का है बॉटल। अब मैं आपको दबाते जाने का है, बाद में आपका थोड़ा बहुत निकलेगा, थोड़ा बहुत नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाद में निकलने लग जाएगा, क्योंकि क्लीन हो जाएगा ना। देखो निकल रहा है, क्लीन हो। अब मैं ऐसा करते हैं, उसका पूरा जो भी स्प्रे का जो था अंदर वो निकल जाएगा। देखो क्लीन हो गया एकदम। तो इसको छोड़ के हम लोग बाजू में कर देते हैं, आप इसे पोछा लगाते हैं। तो हो गया। और आपको एक गम चाहिए रहेगा, टोटली एकदम मस्त वाला। टोटली मस्त तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, मालूम नहीं कितना रहेगा। मैं तो ऐसे ही ले लिया यूज़ करने के लिए। उसके अंदर डाल देना है, नॉर्मल पानी लेना है, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल वाटर। और थोड़ा इसको खोलने में आधा वक्त जाएगा। खुल जा, खुल गया गाइस, टेंशन नहीं। अभी मैं डाल देता हूँ, ये क्या है। अबे यार चलो, तो अभी हम लोग डाल देते हैं। पूरा दबा के डालना पड़ रहा है, एकदम पिरा के।
तो गाइस ये मैंने डाल दिया है, पर इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, तो भी देखते हैं। मैं क्लीन कर देता हूँ ये, पर आपको फटके से नहीं करना है, एक पेपर ले लो उससे करो, क्योंकि मतलब उसको आजू बाजू गंदा लग गया रहेगा, मतलब ग्लू का गंदा लग गया रहेगा। बस हो गया, बाद में आपको उसके अंदर डाल देना है, ये नहीं है, हाँ ये डाल देना है। बाद में आपको पानी के बॉटल हिलाना है तेज़ी से, पहले हिलाना है बहुत तेज़ी से। बाद में गाइस यार पूरा हाथ में लग रहा है गंदा, एक बार पूछ लेता हूँ वापिस से। यस, तो आपका ऐसा बन जाएगा, तो आप देख सकते हो कैसा दिखता है। तो आई थिंक मेरे को और ग्लू लगेगा, क्योंकि ये कम हो गया, आपको थोड़ा सा दिख ही रहा रहेगा, तो मैंने दूसरा कैमलिन ब्रांड का यूज़ किया है वाइट ग्लू, तो ये भी आप कर सकते हो, ले सकते हो। ऐसा नहीं कोई भी ग्लू, बस पानी वाले ग्लू को छोड़ के बस वाइट ग्लू लेना है, उससे ही बनता है फ्लेक्सिबिलिटी स्प्रे अपना। तो ये मैंने निकाल लिया, और बाबा बहुत है यार ये। तो गाइस हम लोग इसको डाल देते हैं इसके अंदर, तो मात्रा मतलब कितना डालने का वो देख ही रहे हो आप, छोटा थोड़ा सा डाल देने का है। तो आपको ये करने के बाद आपको इसके ऊपर आप इसे कर लेने का, तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है, बाद में इसको हिलाने का आप इसे। तो गाइस आपका हो जाने पर आगे जो वाइट वाइट सा अजीब सा निकलेगा उसको अलग जगह पे डाल देना है, मग्गे में मत डाल देना। तो मैंने एक कांच की बॉटल ले ली, ये मेरा सेपरेटली है, तो मैं इसमें पानी डाल के इसको डाल देता हूँ, जो ऊपर वाइट वाइट है पूरा भर जाएगा, इसलिए बोला था थोड़ा कम स्पेस रखना, नहीं तो वाट लग जाती है थोड़ा, इसलिए कम स्पेस रखने का। डालने के बाद आपका इतना कम से कम डालना ही है कम से कम। तो हो जाने के बाद आपको इसमें बंद कर लेना है, पूछ लेता हूँ आप इसे। बस तो ये आपका बन चुका, थोड़ा हिला देता हूँ इसे। तो इसमें थोड़ा आपको और पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए रहेगा तो पानी डाल सकते हो। अबे यार गिर गया कैमरा, भी इसी टाइम पे गिरता है इसी। एक मिनट, हाँ अब सही। तो गाइस हम लोग अभी डाल देते हैं, हम लोग को घुमाना है, और अबे चू गया, ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या, आप इसे करो। तो गाइस ऐसा हो नहीं, बात आपका टोटल बन जाएगा, हम लोग इसका टेस्ट भी करके बताएंगे, आप टेंशन मत लो।
पर आपको ऐसा हिलाने के बाद टेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा अच्छी तरीके से होता है, मतलब ऐसे ही नहीं कि ऐसा कर दिया मार दिया स्प्रे, आपको टोटली हिलाने के बाद मारने का है। तो ऐसा बन जाएगा, एक बार चेक कर लेना ये अच्छे से निकल रहा है या नहीं, निकल रहा है तो बाजू में रख दो, हो गया काम आपका, ऐसा बन जाएगा। मैं तो वो लेता नहीं क्योंकि वो बहुत महंगा है यार उसके लिए। तो आप मैं सब कलर में बताऊंगा, ऑयल पेस्टल और स्केच चारकोल ये सब में मैं आपको बता दूंगा, और इफ़ेक्ट भी बता दूंगा इसका कैसा है और कैसा दिखता है होने के बाद। तो एक बार और पूछ देता हूँ, यार अभी भी गीला नहीं, छोड़ो। तो फिर अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसका। तो अभी मैंने एक ड्राइंग ले ली और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आई है आपको बनाने का, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था मैं बनाया था, तो आपको अगर आपको ये बनाने का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका, आप बना लेना। और आपको पूरा फिनिशिंग देने का है इसके ऊपर, अभी जैसा मैं देने वाला हूँ, थोड़ा फिनिशिंग देने के बाद आप इसके ऊपर मारना, नहीं तो मारोगे बाद में तो अच्छा नहीं लगेगा और बेकार हो जाएगा। तो हिला के मारना, मैं बोल रहा हूँ बोल हिला के मारना। और पीछे का देखो, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ पहले कैसा दिखता है बाद में कैसा होगा। तो मैं पहले टोटल कर देता हूँ, इसे आपको रब करके दिखा देता हूँ कि कितना निकल रहा है। तो अगर आपको अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए इसके ऊपर ड्राइंग और अच्छा दिखते हैं और आपका वीडियो भी अच्छा बनेगा, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। तो आप देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो गाइस थोड़ा कितना काला निकल रहा है, और आपका ड्राइंग से गंदा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, आपका ड्राइंग से बेकार भी हो सकता है, आप देख सकते हो। तो गाइस आपको क्या करने का, सिंपली थोड़ा हाईलाइट कर देने का है, थोड़ा मस्त कर देने का इसको। तो गाइस मैं इसको थोड़ा ड्राइंग टाइप का अच्छे से कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा इसको हिलाओ, बाद में मारना ठीक है, हिलाने के बाद मारने का, हिलाओ इसे बाद में मार ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब अच्छा कर देता हूँ इसको। तो गाइस ये आपका हो जाने पर आपको यूज़ कर लेने का है अपना वो, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको गाइस पीछे कुछ रख के करना चाहिए, नहीं तो आप सिंपली दीवार पे भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं जैसा डराते बाकी वीडियो में, आप सिंपली दीवार पे भी कर सकते हो, बस जल्दी पोछ देना ये काम कर दे ठीक है, जल्दी पोछ देना। सिंपली इसको दीवार पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं, बस पोछ देने का है आपको। तो गाइस आपको जहाँ पे आपका डार्क शेड है वहाँ पे ज़्यादा करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा डार्क, जहाँ पे आपने किया वहाँ पे ज़्यादा करना है इसको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वहीं पर, इसका लिप्स पे ज़्यादा डार्क है इसके लिए मैं वहीं पे कर रहा हूँ। बाद में हो गया हम लोग, बाद में इसको थोड़ा सूखने को रख देंगे आप मतलब। तो गाइस ये सूखने के बाद आपको पता चलेगा, तो सूखने के लिए रख देते हैं। और आपको एक ऐसा फड़का ले लेना है, स्पेशली उसके लिए लेना है ठीक है, स्पेशली उसके लिए ही लेना है, दूसरे के लिए नहीं, तो आपका कपड़ा बेकार हो सकता है ओके। तो इसको मैं ले लेता हूँ, तो इसका इसको कुछ 15 मिनट 50 मिनट कुछ ऐसा सुखा देने का, 15 मिनट कम से कम बहुत हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हो लाइट के पत्थर क्योंकि तो पैसा डॉट भी आ जाएगा, पर सिंपली तो लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। तो सूखने में रख देते हैं, मैं पूरा सूखते हुए तो बता नहीं सकता, इसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ ओके। तो ये थोड़ा चमकेगा, अगर गिल्ला रहेगा तो थोड़ा चमकेगा और कुछ नहीं। तो गाइस हो चुका, अभी तो वैसे सूख ही गया है, आप देख सकते हो इसका ग्लो लाइट पे।
तो फिर आपको एक खड़गा लेना जो मैंने बोला था स्पेशली इसके लिए। तो आपको इसके ऊपर ऐसे ऐसे करना है, मतलब रगड़ना नहीं है, सिंपली ऐसे करना है प्लेन साइड पे, ठीक है। ऐसा प्लेन साइड कर लेना, बाद में ऐसा मतलब टैप टैप करना उसके ऊपर, जहाँ पे आपने ज़्यादा किया वहाँ पे टैप टैप करना, पूरी जगह पे करना गाइस, पूरे ड्राइंग के ऊपर। ओके तो वैसे हो जाने के बाद आपका कुछ नहीं रहेगा, बाद में आप ये सूख जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं रहेगा, सूख जाएगा तो आपका कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। बाद में मैं नीचे पीछे से देखो ऐसा कुछ दिखेगा और मैं पूछ लेता हूँ, बस पीछे से कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। इसके लिए पीछे आपको कोई ड्राइंग नहीं बनानी, सिर्फ एक ही पेज पर एक ड्राइंग। तो वैसे मैं फुल इसका टेस्ट दिखाऊँगा, आप टेंशन मत लो। तो मैं ले लेता हूँ कोई एक मिनट, हाँ मैं पेंसिल ले लेता हूँ और आपको दिखा दे। तो देख सकते हो गाइस वो चल नहीं रहा है ढंग से, और चल भी रहा है तो ज़्यादा अच्छे से भी नहीं चल रहा, और ये देख सकते हो पूरा एकदम डार्क आ रहा है बेकार, और आप उसको वो भी नहीं कर सकते। इसके लिए आप मेरे हिसाब से तो मत करो। ओके से भी सूख गया है, थोड़ा तो नीचे गिर रहा है। तो मैं थोड़ा टैप टैप कर ले रहा हूँ वापिस से, ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, टैप करना। ओके तो बस ये आपका हो जाने पर आपको कुछ एकदम सूखा मिलेगा, एकदम मस्त लगेगा आपका, मस्त नहीं कोई इफेक्ट विफेक्ट कुछ नहीं आएगा सूखने के बाद, ग्लो भी नहीं करेगा जैसा गीले पे कलर से, क्योंकि वो गीला था गाइस। तो फिर हम लोग अभी ये देख सकते हो आप, अभी मैं इसका टेस्ट करूँगा। तो वैसे मैं अभी बता देता हूँ कि कैसा हुआ है, तो कॉटन बदला के एकदम सूख गया, अच्छा हो गया एकदम, कुछ इफेक्ट इफेक्ट नहीं है, और देख सकते हो। तो एक मिनट, तो वैसे मैंने कॉटन बड ला दिया टेस्ट करने के लिए, तो आप टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कैसा है बाद में कैसा था। तो जब आप स्केच पे करोगे तो आपका वाइट वाइट दिखने लग जाएगा, मतलब जैसा दिख रहा है आप देख सकते हो वाइट दिख रहा हो, वाट लग जाएगी आपकी पूरी स्केच की, वाइट वाइट पूरा हो जाएगा, बेकार लगेगा, ठीक है। फिर करना मत हल्के हाथों से, मैं तो भी करके बता रहा हूँ, प्लीज करना नहीं, ठीक है। आपको पूरा ड्रॉइंग का वाट दिख रहे हो, वाइट वाइट वहाँ पे आ जा रहा जहाँ पे कर रहा हूँ, प्लीज़ करना नहीं। तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा दिखेगा, तो भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब सिंपल सा आएगा एकदम, इसलिए स्केच के लिए ज़्यादा अच्छा है मतलब। तो मैं बाजू में रख दे रहा हूँ इसको, मैं चारकोल के पे भी किया था ये, तो चारकोल ना अच्छे से हुआ था, चारकोल भी ऐसे ही हुआ था, इसके लिए मैं बताऊँगा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी मैं ऑयल पिस्टल पे करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ऑयल पिस्टल के पे भी आ रहा था कमेंट कि ऑयल पिस्टल पे भी करना करके, तो मैं इसको पहले करके दिखाता हूँ पहले ऑयल पिस्टल को। बाद में गए जब ही हम लोग प्रिजर्वेटिव स्प्रे मारने वाले इसके ऊपर,
इसका ऑल पिस्टल का सारा प्रोसीजर एकदम अलग है, इसके लिए मैं बताऊंगा अभी। अगर आपको मारने के बाद आपको कोच लेना है, बाद में तुरंत ही आपको करने के बाद ठीक है, नहीं तो आपका पूरा ड्राइंग का वाट लग जाएगा, पूरा ब्लर हो जाएगा, आप देख सकते हो ब्लर हो रहा है तो ठीक है। और आपको क्या करना है सिंपली, और आपका थोड़ा वाइट पिट अलग होने लग जाएगा, पूरा कलर छूटने लग जाएगा। इसके लिए आपको तुरंत ही नीचे ऐसे ऐसे टैप करना अपने पेपर को लेकर, तो देख सकते हो आप पूरा कलर निकल रहा है मेरा। तो इसके लिए तुरंत करने का, इसको ऐसा करके टैप करने के बाद आपको इसको पोज देने का है। ओके, तो बाद में इसको टैप टैप करने का है बाद में, ठीक है, वैसे ही करने का जैसा मैं बता रहा था। तो गाइस आपका हो जाने पर एकदम सिंपली सूख जाएगा और आपका थोड़ा अच्छा भी, तो बाद में मैं एक बार बता देता हूँ हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो एकदम, मतलब ज़्यादा इम्प्रूव नहीं दिख रहा ड्राइंग, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, बस थोड़ा बहुत चल रहा है बस। ओके, तो क्या ज़्यादा तो चल भी नहीं पा रहा गाइस, ठीक है, वैसे ही हो रहा है। तो ये ऑयल पेस्टल के लिए थोड़ा सा ठीक है, ओके, ऑयल पेस्टल के लिए थोड़ा सा ठीक है, तो मैं आपको कॉटन ब्रश से आप इसे बता दे रहा हूँ। तो गाइस पीछे के साइड में भी आप थोड़ा टैप कर दो, पीछे के साइड अलग ही दिखेगा, तो हल्का फुल्का हल्के हाथों से बाद में ऐसे से कर देने का आपको लाइट। तो मैं आप इसे बता दे रहा हूँ, तो बस हल्का ही फुल्का ब्लेंड होता है, ज़्यादा होता भी नहीं। अभी देखो पूरा तरीके से सूखने के बाद हो ही नहीं रहा गाइस, ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। ओके, देखो ज़्यादा हो ही नहीं रहा, देखो हल्का फुल्का हुआ गाइस। तो एकदम मस्त लगता है, स्मूथ लगता है एकदम। ओके, तो हैंड पे भी तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैंड पे बिल्कुल नहीं आएगा, आप देख सकते हो हैंड पे तो 100% नहीं आएगा। तो गाइस ये मेरे उसका ड्राइंग था, तो मेरे टीचर ने मेरे को दिया था वेरी गुड करके, वो छोड़ो बात। तो अभी हम लोग तो अभी मेरे ये बिना देखे बना था ऐसी डिज़ाइन के लिए, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या उस पर कैसे होगा, क्योंकि ये मार्कर से किया हूँ मैं। ओके, तो मार्कर से कैसे करने पे होगा, तो मैं पहले स्प्रे छिटक देता हूँ। तो गाइस मार्कर पे तो पूरा वाट लग गया इसका, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मार्कर पे तो पूरा ही 100 वाट लग गया, अभी मैं टैप टैप कर ले रहा हूँ, पूरा वाट लग गया यार सच में। आप देख सकते हो कैसा हो गया। तो ये मार्कर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको बाबा हाथ भी गंदा कितना हो गया है, मेरा अभी तक हाथ गंदा है, पूरा बेकार है एकदम। तो अगर आपको स्प्रेड ड्राइंग पसंद है तो आप स्प्रेड ड्राइंग इससे कर सकते हो, मतलब स्प्रेड ड्राइंग अलग ही रहता है, जो कलरफुल रहता है, जैसे कि अभी वही कलर का, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो स्प्रेड ड्राइंग कैसा रहता है, देख सकते हो आप,
कुछ इस प्रकार का दिखता है, पर मेरे को स्प्रेड ड्राइंग पसंद नहीं। स्प्रेड ड्राइंग भी थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, बेकार लगता है, पर मेरे को हाथ गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से आई एम सॉरी, मेरे को इसको फेंकना पड़ेगा। बाबा पूरा पेपर गंदा हो गया, रखने से ही पूरा गंदा हो गया। पीछे से देख रहे हो आप, पीछे से पूरी वाट लग गई, पूरा गंदा हो जाता है। तो इसको सॉरी फेंक रहा हूँ। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे सिंपली से अपने कलर का, और ये वाला मटेरियल मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ऐसे बनाया तो मैं इधर सिंपल सी पेंटिंग, मतलब पेंटिंग नहीं, कलर कर लिया हूँ और वो सब फालतू गिरी कर लिया हूँ एकदम सिंपल से आपको बताने के लिए। तो हम लोग इस पर मार दे रहे हैं स्प्रे, तो मैंने मार दिया, ये भी वैसे ही हो रहा है। तो ये भी बेकार है गाइस। अगर आपको टेस्ट वेस्ट सब पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपको यही सोच रहे होगी कि पेस्टल वो सब क्यों नहीं किया, मतलब स्मूथ पेस्टल क्या बोलते हैं वो सब, तो मैंने वो नहीं किया। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।